कि हम ये नहीं चाहते कि उलमा अवाम की पैरवी करें, हमारा ये मिशन है कि अवाम उलमा की पैरवी करें। ये खुलासा है हमारे मौजूआत का, तकरीरों का, जो भी हम जिस मसले पर भी स्टैंड लेते हैं, मुमी तौर पर होता है कि अवाम जिस पे वाह वाह करें वो बात करो, अवाम के तेवर देख के बात करो, अवाम जिसे पसंद करें वो बात करो। इसका मतलब तो ये हुआ कि असल इमामत अवाम के पास है कि उलमा उनके पीछे पीछे चलें कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, जबकि दीन ये कहता है कि अवाम उलमा के पीछे चलें, अवाम इक्तिदा करें उलमा की, अवाम पैरवी करें उलमा की। तो आज चलते 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 यहां तक नौबत पहुंच गई कि हमें मशवरे दिए जा रहे हैं कि जब अवाम इसे पसंद नहीं कर रहे तो आप भी, अगरचे बात ठीक है लेकिन चूंकि अवाम नहीं पसंद कर रहे तो आप इस बात को छोड़ दें। तो इस पर तो फिर क्या क्या छोड़ना पड़ जाएगा। अवाम तो अब भी कुछ, और अगले चंद सालों में वो कहेंगे कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र करना हो तो उनके साथ मासूमा का लफ्ज़ बोल के किया करो। तो फिर क्या उस वक्त मासूमा बोलना शुरू कर दोगे कि अवाम वैसे पसंद नहीं करते, या अवाम कहते हैं कि जो तुम कहते हो ना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बिला फसल हैं, हमें इसकी समझ नहीं आती, ये तुम छोड़ दो, उनको वैसे खलीफा कह लिया करो, तो क्या ये छोड़ दिया जाएगा अवाम के कहने पर। और फिर इसमें जबकि अवाम में दुश्मनान भी शामिल हो चुके हैं जो अवाम को दिन रात तरबियत देते हैं, और फिर वो बहरूपी हैं तहरुल कादरी की तरह की, वो कंपनी के जो दाता साहब के नाम पे सवारियां बिठा के गामे शाह उतारते हैं, वो मुसलसल गामे शाह उतार उतार के उन्होंने अवाम के जेन खराब किए हुए हैं। तो हमारी जिद्दोजहद ये है कि उलमा इमामत करें, अवाम पीछे चलें, न कि ये गाड़ी का स्टेयरिंग अवाम को पकड़ा दिया जाए कि जिधर तुम चाहते हो ले जाओ। तो ये बड़ी बुजदिली है और हकीकत के खिलाफ है कि अवामी प्रेशर की वजह से और डर की वजह से किसी हक को छोड़ दिया जाए, तो ये बड़ा गलत है। आज जो तहरीके रजू है उसके अंदर यही सबसे बड़ी है कि प्रेशर है अवाम का, फलां पीर का फोन आया, फलां वजीर का आया, फलां इसका आया, उसका आया। तो हमें देखना है कि कुरान और सुन्नत क्या कहता है, उसूल अहले सुन्नत क्या है। अल्लाह ताला ने यह तौफीक दी कि हमने शुरू से, अगरचे अवामी मकबूलियत कितनी मिली या ना मिली, हमने ये कहा कि हमारी तहरीक है कि अवाम को सुना 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 के इल्म की बातें अवाम को उलमा बना लें, यानी अवाम का लेवल ऊपर ले आए। दूसरी तरफ से यह है कि उलमा कुछ इस तरह नीचे आए कि वो उलमा चलते चलते अवामी लेवल पे आ गए, ना मुताला किया, ना देखा, ना दलायल, सिर्फ ये कि अवाम क्या चीज पसंद करते हैं। यानी उनका सफर ऊपर से नीचे की तरफ है कि दूसरे लफ्जों में कि उलमा अवाम बन जाएं, और हमारी तारीख यह है कि अवाम उलमा बन जाएं।